बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम सौंदर निवासी श्यामराव मारुति खोबरागड़े, इंदिरा नगर तुमसर निवासी किशोर भैयालाल ठौकर और अन्य 2 व्यक्तियों का समावेश है। पाथरे के चुलबन नदी क्षेत्र में रेत उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर पर पालांदुर पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रैक्टर चालक पाथरे निवासी दारविन मोरेश्वर हत्तीमारे उम्र 29 वर्ष के खिलाफ पालांदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की घटना सामने आई है। यह घटना अंबेडकर वार्ड बेला की है। महिला ने घर में साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नलिनी सुरेश रामटेक की उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है। मंदिर से हनुमान जी का 18,000 रुपए का चांदी का मुकुट और दान पेटी चोरी होने की घटना का खुलासा लावेश्वर में हुआ। लावेश्वर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान के सिर पर लगा 250 ग्राम चांदी का मुकुट और दान पेटी में रखी रकम चोरी हो गई। शिकायत के आधार पर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज किया। दो भाई के विवाद में बीच बचाव करने आए वृद्ध को लोहे के सरिये से पीटकर घायल करने की घटना भगत सिंह वार्ड भंडारा में घटी। आरोपी का नाम करण दिलीप भेदे उम्र 19 वर्ष है और मृतक व्यक्ति का नाम गणपत रामचंद्र भेदे उम्र 81 वर्ष है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। देवरी थाने के तहत रेशम लॉन के आगे एक व्यक्ति को तलवार के साथ पकड़ा गया। फिरियादी हवालदार ज्ञानीराम करंजेकर की शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया। सालेकसा थाना के तहत रामपुर में हुई दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई तो उसका मित्र घायल हो गया। शरद अशोक चुटे उम्र 19 वर्ष अपने मित्र गोरठा निवासी मयूर भागवत शेंडे उम्र 18 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल से परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए साखरी टोला जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।